हाँ तो भाई लोग क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा यार, यूएई ने कल अपना 50वां जो है नेशनल डे मनाया है, और इन 50 सालों में उन्होंने दुनिया को ऐसे ऐसे सरप्राइज दिए हैं ना, इतनी तरक्की की है कि बंदे की अकल दंग रह जाती है। मतलब कि एक डेजर्ट को उन्होंने एक जन्नत नज़ीर वादी में बदल दिया है। पानी का ऐसा इशू उन्होंने, ऐसा मसला हल किया है, नहीं तो होता है कि डेजर्ट में जो है ना पानी का इशू, इधर कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी इधर हर तरफ आपको ग्रीनरी नज़र आएगी, हर चीज़ नज़र आएगी। बिल्डिंग्स की बात करें तो नंबर टॉप पे बुर्ज खलीफा, महंगे तरीन होटल्स की बात करें तो वो बुर्ज अरब है, दुबई में है। उसके बाद रोड स्ट्रक्चर की बात करें कि दुनिया के बेस्ट रोड अभी इस वक्त जो है ना यूएई में, और सबसे बढ़कर वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी जो है वो दुबई और अबू धाबी आ रहा है टॉप 1-2 पे। तो ये सिर्फ 50 सालों में जो है ना उन्होंने करके दिखाया है। और अगर एक तरफ हम हैं पाकिस्तान, अभी 70 साल शायद 70 से भी ऊपर हो जाए और हम 100 साल पीछे चले गए हैं। और अगर आपके जब ऐसी बात होती है तो लोगों के माइंड में आता है कि इनके पास तेल था, हमारे पास तो तेल नहीं था इसलिए ये आगे चले गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इनके पास तेल था, बाकी कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज़ इनके पास थी जो हमारे पास अभी भी शायद नहीं है। तो पाकिस्तान के पास सब कुछ था, हमारे पास जो वेदर्स हैं, हमारे कुदरती वसाइल हैं, हमारे और नेचर मेहरबान है हम पे, तो फिर भी हम इतने 70 सालों में इतने पीछे क्यों चले गए हैं? उसकी एक ही वजह है कि इनके पास सिर्फ ऑयल था, बाकी कुछ नहीं था, लेकिन इनके पास थी ट्रू लीडरशिप। अपनी कौम का दर्द रखने वाले लीडर हैं इनके, सबसे पहले अपनी कौम का सोचते हैं। लेकिन जबकि पाकिस्तान के पास सब कुछ था, ईच एंड एवरी थिंग जो एक मुल्क को तरक्की करने के लिए चाहिए होती है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक चीज़ की कमी थी और अभी भी है, वो है ट्रू लीडरशिप। अभी खान साहब तो आए हैं लेकिन वो उस निज़ाम में फंसे हुए हैं, वो थी ट्रू लीडरशिप। इनके पास सब कुछ ना होने के बराबर था, लेकिन ट्रू लीडरशिप थी, ये दुनिया से बहुत आगे चले गए। हमारे पास सब कुछ था लेकिन हमारे पास लीडर नहीं था, जिसकी वजह से आज हम पूरी दुनिया से 100 साल अभी स्टोन एज में चल रहे हैं शायद सेम।